तो डेक वन पे है 128 BPM का गाना एंड डेक टू पे है 150 BPM का गाना। अब मैं इन दोनों गानों को मिक्स करूंगा विद द हेल्प ऑफ सिंक बटन। अब ये देखने में तो सिंपल लगता है लेकिन जब आप करने बैठोगे तो शायद ये सही से ना हो। क्यों? क्योंकि शायद आपने इस टेम्पो फेडर की सेंसिटिविटी गलत सेट कर रखी हो, मास्टर टेम्पो शायद आपने ऑन नहीं रखा हो। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें फॉलो करना है ताकि हमारा जो ये ट्रांजिशन है अच्छे से आए। तो क्या है प्रॉपर तरीका, बताता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रांजिशन है वो 128, 150 वाले गानों पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसे गाने जो 10-20 BPM का डिफरेंस रखता है वहां पे हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक गाना ले लेते हैं, एक गाना है ये 115 BPM का और दूसरा गाना है 128 BPM का। इसका जो ट्रांजिशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। सिंक बटन के दो फंक्शन है, पहला है BPM सिंक, यानी कि जो दोनों गानों का BPM है उसे सेम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरे पास एक गाना है 130 BPM का एंड दूसरा गाना है 150 BPM का। अगर मैं सिंक बटन दबाता हूं तो दोनों गाने जो है वो 130 BPM में आ जाएंगे। एंड दूसरा फंक्शन है बीट सिंक, यानी कि ये दोनों गानों के बीच को प्रॉपरली अलाइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दो गाने हैं, इन दोनों के बीच अलाइन नहीं है, तो अगर मैं सिंक बटन दबाता हूं तो इन दोनों गानों के जो बीट्स हैं वो प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा ध्यान रखना है कि सिंक बटन हमेशा मास्टर ट्रैक को ही फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे दो गाना है, एक गाना है 130 BPM का एंड दूसरा गाना है 150 BPM का। जैसे कि आप देख सकते हो मास्टर अभी जो है वो डेक वन है, तो अगर मैं अभी सिंक बटन दबाऊंगा तो दोनों गाने जो है वो 130 BPM में हो जाएगा, क्योंकि ये डेक वन अभी मास्टर है। अभी इसी में ही दूसरा केस ले लेते हैं, तो यहां पे हमारे पास डेक वन पे है सेम 130 BPM का गाना एंड डेक टू पे है 150 BPM का गाना, लेकिन अभी मैं अगर सिंक बटन दबाऊंगा तो जो दोनों गाने हैं वो 150 BPM का हो जाएगा, क्योंकि मास्टर जो है वो अभी सेकंड डेक है। बाकी आप किसी भी डेक को मास्टर बना सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी डेक 1 को मास्टर बनाना है तो मुझे लॉन्ग प्रेस करना होगा तो डेक 1 मास्टर बन जाएगा। सेम काम आप माउस से भी कर सकते हो, जैसे अगर अभी डेक 2 है मास्टर, अगर आपको डेक 1 बनाना है आप माउस से जाके यहां मास्टर पे क्लिक कर दो तो ये जो डेक 1 है वो मास्टर बन गया। अब आते हैं ट्रांजिशन में जो मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखाया था। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है कि हमें टेम्पो फेडर की सेंसिटिविटी को कम करना है। तो जनरली जो टेम्पो फेडर की सेंसिटिविटी है वाइड पे है, यानी कि अगर मैं इसको पूरा करूं तो ये जीरो तक जाता है और अगर मैं पूरा नीचे करता हूं तो ये डबल हो जाता है। तो इसको मुझे कम करके प्लस माइनस 16 पे लाना होगा। प्लस माइनस 16 कैसे होगा? आपको बस ये शिफ्ट बटन प्लस सिंक बटन दबाना है 3 बार। तो अभी वाइड पे है, अभी ये 6 पे हो जाएगा और अभी 10 पे है और अभी ये 16 पे है। तो ये वाला सेटिंग रखना है। अभी मैं आपको दोनों में फर्क करके दिखाता हूं। जैसे अभी ये प्लस माइनस 16 पे है, तो अभी मैं टेम्पो ऊपर नीचे करूंगा, देखना कितना स्मूथली होता है। मैं बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे। लेकिन अगर मैं यही काम वाइड के साथ करता तो ये इतना स्मूथली नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं थोड़ा सा भी हिला रहा हूं तो गाना का जो टेम्पो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है।
ठीक है। तो इस वजह से हमें जो इसकी टेम्पो फेडर की जो सेंसिटिविटी है उसे प्लस माइनस 16 पे ही रखना है। दूसरा जो सेटिंग है वो ये है कि हमें मास्टर टेम्पो ऑन रखना है। अब मास्टर टेम्पो क्यों ऑन रखना है ये मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा है, तो ये वाला वीडियो भी जरूर से देख लेना। अब आते हैं ट्रांजिशन पे। तो जब ट्रांजिशन करेंगे तो जैसे हम नॉर्मली गाना मिक्स करते हैं वैसे ही मिक्स करना है विद ईक्यू। बस एक चीज जो ऐड हो जाती है वो ये है कि मिक्स करते करते हमें जो टेम्पो फेडर है वो धीरे धीरे करके नीचे लेके आना है, यानी कि 128 से 150 लेके आना है। सिंपल था। अब इसी का ही ऑपोजिट करते हैं, यानी कि अब करते हैं मिक्स 150 से 128 तक। तो यहां पे मैं दो गाने ले लेता हूं। फर्स्ट डेक पे है वो 150 BPM का गाना है एंड सेकंड डेक पे जो है वो 128 BPM का गाना है। तो इन दोनों को मिक्स करते हैं। तो इन दोनों को मिक्स करते वक्त जो सबसे पहला जो हमें करना है यानी कि टेम्पो फेडर की सेंसिटिविटी को चेंज करना है, यानी कि शिफ्ट प्लस सिंक दबाओ, इसको प्लस माइनस 16 कर दो। अब शुरू करते हैं मिक्स करना। तो इट विल गो लाइक ऐसे हमने ट्रांजिशन किया फ्रॉम 150 टू 128 BPM। तो इसका प्रोसेस भी सेम ही है, बस एक ही फर्क है, यानी कि उधर जो है हम टेम्पो बढ़ा रहे थे यानी कि 128 से 150 लेके आ रहे थे, यहां पे हमें कम करना है यानी कि 150 से लेके 128 तक लेके जाना है। बाकी इस वीडियो में जितने भी गाने यूज हुए हैं उनका फ्री डाउनलोड लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आपको बस जाना है डिस्क्रिप्शन में, यहां पे जहां पे फ्री डाउनलोड लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। ऐसा एक पेज खुल के आएगा, तो यहां से आप सारे गाने जो मैंने यूज किया है वो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट या कुछ सजेशंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे और डीजेइंग टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए तो ये वाला वीडियो पे जरूर से क्लिक करना, और अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे से डायरेक्टली डीजेइंग सीखने के लिए तो डिस्क्रिप्शन भी एक बार जरूर से चेक कर लेना।